व्यूअर्स, आज 14 अगस्त है और हम आए हैं आज कायदे आज़म हाउस शाहर फैसल। आज 14 अगस्त है और आपको दिखाया था हमने, माशाल्लाह से इस बार अभी अच्छी खासी एक्टिविटी हुई है पूरे शहर के अंदर और माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी हम शाहर फैसल जा रहे थे तो काफ़ी एक टीम थी रेस्क्यू वगैरह की, फायर ब्रिगेड की वो भी टीम जा रही थी। ऐसे ही वो 14 अगस्त की मुनासबत से ये अपना डेमो दे रहे थे। तो ये है कायदे आज़म हाउस जो आपने देखा होगा, क्राउड तो अभी बहुत कम है, हमारी फाउंटेन भी इन्होंने आज नहीं ओपन किया। जिस तरीके से कायदे आज़म हाउस को जो जिस तरीके से इन्होंने डेकोरेट करना चाहिए था उस तरीके से ये शायद वो प्रॉपर सेटअप उन्होंने नहीं किया, लाइटिंग वगैरह का और तमाम चीज़ों का, ये कुछ चीज़ें ऑपरेशन करें और जगह जगह आपको गंदगी नज़र आ रही होगी तो बड़े अफसोस की बात है। खैर मैं आपको नेगेटिविटी दिखाना नहीं चाहूँगा, मैं 14 अगस्त के मुताबिक मुनासबत से मैंने आपको ये व्लॉग बना रहा हूँ बेसिकली। तो खैर ये चीज़ें तो हैं ही, वो तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं कि हमारी जो माशाल्लाह से यहाँ पर आवाम है और जो हमारे इदारे हैं किस तरह से काम करते हैं वो तो खैर बहुत लंबी बहस है, इस पर हम नहीं जाएँगे। तो आए चलते हैं। तो व्यूअर्स ये कायदे आज़म का फ्रंट पूरा एलिवेशन जो उस वक्त की मॉडर्न कंस्ट्रक्शन थी बेसिकली। ये मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, फाउंटेन को तो ओपन करना चाहिए था ना, लेकिन फाउंटेन को अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ओपन नहीं किया ना, उसकी इस तरीके से मेंटेनेंस हुई है। मैं पहले भी इससे पहले बहुत सारी हेरिटेज देखते हुए आ रहा हूँ और आपने देखा होगा, लेकिन जिस तरह दूसरे मुल्कों में हेरिटेज कितनी केयर की जाती है, कदर की जाती है, वो मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। माजरत के साथ अगर मेरी बात से किसी को दिल आज़ादी तो मैं उस माजरत खाऊँ, लेकिन ये बात तो सच फैक्ट है। उस तरीके से बिंग पाकिस्तान ही आई लव पाकिस्तान और बड़ा दिल दुखता है कि जब पाकिस्तान के साथ जो हम ये देखते हैं शुरू तो लिटरली मुझे बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए हमें। और ये जो है कायदे आज़म की गाड़ी, दो गाड़ियां हैं, कार्स हैं, अपने वक्त की बड़ी मॉडर्न क्लास कार थी। और ये ऊपर जाने का बैक साइड का रास्ता है जहाँ पर आपको अलाउ नहीं है ऊपर जाना, तो काफ़ी लोग आए होंगे इधर से, यहाँ पर कराची के मिड में है वाकया ये कायदे आज़म हाउस और अपनी फैमिली के लेके 14 अगस्त यहाँ पर आए एक यादगार लम्हात कुछ अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें। क्योंकि ये इसकी कुछ ऊपर की हिस्सा है, पूरा पोर्शन इमारत है इसकी, और इसका बैक ग्राउंड काफ़ी वसी और अजीज जगह यह है। लाइब्रेरी का पार्ट जो हमने आपको दिखाया था, आपको जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पर देखिएगा मेंशन हुआ है 1943 में परचेज किया था सुराब खटक के नाम से, और इसकी जो मालियत थी वो 1,15,000 थी, सॉरी मेरी मिस्टेक थी, 1.5 लाख थी, 1,15,000 थी। मैं कहा था ना कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1,15,000 1 लाख से तो ऊपर थी, 1,15,000 के करीब मैंने मेंशन है।
तो फिर आज का ये गार्डन हाउस का ये पूरा हमने बनाया था। खैर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर एक नई जगह पर मिलते हैं, उसके बाद हम नया विजिट करके मिलते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।